नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लांट्स अप, और आज का हमारा टॉपिक है क्राइसेंथेमम्स के ब्लूम के ऊपर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्राइसेंथेमम्स के ब्लूम कैसे ले सकते हैं और क्राइसेंथेमम की हम केयर कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये क्राइसेंथेमम आप सब देख रहे हैं कितने मेरे फुल ब्लूम पे हैं, कितने भरे पड़े हैं। देखिए, अलग अलग पौधे हैं तीन, और कितनी इनमें बर्ड्स पीछे भी, ये देखिए ये पीछे भी आ रही हैं इसमें, मतलब ये पूरा खिला भी नहीं है तब भी आप देखिए कितने फूल इसमें आए हुए हैं। पीछे भी ये देखिए कितनी कली इसमें भी खिलनी बाकी है, और ये तो झुकाव इतना हो गया इसका फूलों से कि बिल्कुल नीचे की तरफ गिरने लगा है बिल्कुल पौधा। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं? तो दोस्तों, वो तो पिंचिंग होती है इसकी, जिससे की वजह से हम इसको बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि इसमें बर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर ये फुल ब्लूम पे आता है पौधा। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम केयर की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा तो इसको फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी जो है आप वेल ड्रेन बनाइए। इसकी मिट्टी में आप नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा मिलाइए, थोड़ी जैसे वर्मी कम्पोस्ट हुई तो मिट्टी में वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा को आप मिट्टी से, अगर आप तीन हिस्से ले रहे हैं, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा मिट्टी, तो आप दो हिस्से खाद के लीजिए। मतलब खाद आप 60 या 70% इसमें खाद होनी चाहिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन रिच, और मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आप एक चम्मच या आधी चम्मच इसमें फंजीसाइड पाउडर आप मिला दीजिए, क्योंकि इसमें फंगस तो नहीं लगती है, पेस्टिसाइड पेस्ट बहुत लग जाते हैं इसमें, इसके पत्तों पे ब्लैक कलर के और वाइट कलर के पेस्ट लगते हैं, तो उन सब से बचाने के लिए इसमें आप आधा चम्मच या एक चम्मच आप पेस्टिसाइड फंजीसाइड पाउडर डाल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये सर्दियों का पौधा है और इसको खिलने के लिए, फुल ब्लूम के लिए इसको आप फुल सनलाइट प्रोवाइड कराइए दोस्तों। इसकी जो कलियाँ हैं वो तभी आएंगी, तब आप ये देखिए दूसरे देखिए कितना सुंदर लग रहा है दूर से। देखिए, और ये जो पौधे हैं ना मेरे, ये दोनों, ये जो भी मैं उस स्टैंड के ऊपर रखूँगा वहाँ पे, तो और भी अच्छा लगेगा देखिए। तो दोस्तों, इसको खिलने के लिए, इसके फूल खिलने के लिए इसको आप फुल सनलाइट में रखिए। अगर आपके घर में 6-7 घंटे की सनलाइट आती है तब तो बेस्ट ही है, वरना आप मैक्सिमम आपके जितने भी घर में जब 3-4 घंटे की भी आती है तो आप इसको 4 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड कराइए। तीसरी बात दोस्तों, इस पौधे में आप हर 10 या 15 दिन में फॉस्फोरस भी थोड़ा डालिए, पोटेशियम या फॉस्फोरस, क्योंकि फूल, अगर हम जानते ही हैं फूलों को खिलने के लिए और पोटेशियम और फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पोटेशियम और फॉस्फोरस का भी रिसोर्स है दोस्तों, वो है अगर आप इनऑर्गेनिक, मतलब आप केमिकल की बात करते हैं तो DAP इसमें आप डाल सकते हैं, NPK भी डाल सकते हैं दोस्तों। NPK और DAP हर 10 दिन में 5 या 6 दाने अपने गमले के अनुसार आप उसमें डाल सकते हैं, और अगर आप ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सरसों की खली को पानी में फर्मेंट करके, या उसको 2-3 दिन आप ऐसे छोड़ दीजिए और उसको डाइल्यूट कर लीजिए आप अपने मिक्सचर के अकॉर्डिंग, और उसको हर 8 या 10 दिन में अपने पौधे में डालें। और दोस्तों, इसकी मिट्टी को आप हमेशा मॉइस्ट रखें तो ये बहुत अच्छे खिलते हैं। और दोस्तों, पिंचिंग का जो मेथड होता है वो तो हम स्टार्ट कर देते हैं जुलाई से, अगस्त से पिंचिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसकी पिंचिंग कर देते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, और ब्रांचेस में से बर्ड्स निकलती हैं, तभी ये पौधा इतने आपको फूल देगा। वरना क्या होगा, अगर आप इसकी पिंचिंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल सीधा बढ़ता जाएगा और उसमें कुछ ही कलियाँ आएंगी, लॉट्स आते हैं, तो इतना बुशी नहीं होगा ये। तो इसकी जो पिंचिंग होती है वो तो दोस्तों आप जुलाई से ही स्टार्ट कर देनी है आपको अगले साल के लिए। और अगर आपको ये पौधा सेव करना है तो इसको नीचे से स्टेम्स इसकी काट दीजिए पूरी, बिल्कुल इसको नीचे से जड़ों के पास से पूरा काट दीजिए, और इसके नीचे से नए नए सकर्स निकलेंगे, बेबी प्लांट्स निकलेंगे, आप
उनको डिवाइड भी कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसे भी हो सकते हैं उसी गमले में तो पूरा गमला भर जाएगा। इसमें मेरे तीन गमले तो पिछले साल के ही, ये वाला जो आप देख रहे हैं पिछले साल का गमला है पूरा भरा हुआ है देखिए दोस्तों। पर अगर आप दोस्तों कटिंग से इसे या सकर्स निकाल के लगाएंगे तो वो ज़्यादा ब्लूम करते हैं। मेरे ऊपर वाले जो हैं मेरे ये कटिंग से हैं, मैंने सकर्स डिवाइड करे थे इनके, तो सकर से भी अगर आपकी कटिंग्स नहीं सक्सेसफुल हो पाती हैं तो सकर से भी आप इसको इजी टू ग्रो प्लांट होता है बहुत, सकर से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जुलाई में बरसात के मौसम में इसके सकर्स निकालिए और छोटे छोटे जो पॉट्स होते हैं ये पॉलीथीन्स में होती हैं आप उनको सेव करके रख लीजिएगा और उनमें आप इनके सकर्स को लगा सकते हैं तो आपका नया पौधा बन जाता है। तो दोस्तों आप मुझसे आपसे एक बात पूछनी थी कि ये प्लांट भी नर्सरी से परचेज़ किया था मैंने, मुझे इसका नाम पता नहीं है, वैसे मुझे डेजी बोल के दिया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी वीडियो में,